गर्मियों के मौसम में खरगोश को चार चीज ऐसी क्या है जो कि देनी ही चाहिए, खिलानी ही चाहिए। उसके डाइट में यह चार चीजें बहुत ही जरूरी है, वह क्या है चलिए इस वीडियो में वन बाय वन करके जानते हैं। तो पहली यह चीज है कि खरगोश को हे खिलाना। जी हाँ, हे का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, सूखी घास। खरगोश के डाइट का 80% हिस्सा हे होता है। जी हाँ, उसके डाइट में 80% हे होना ही चाहिए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर कोई और भी सीजन, लेकिन उसके डाइट में 80% हे होना ही चाहिए। सूखी घास आप कहीं से भी ला सकते हैं, आप खुद से सूखी घास बना सकते हैं, या तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं खरगोश के लिए। भारत में अधिकतर दुर्भा घास मिल जाता है हर कहीं, आप उसे भी तोड़कर पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके धूप में हल्का सा सुखाकर आप अपने बनी को हे बनाकर खिला सकते हैं। दूसरी चीज जो कि खरगोश को गर्मियों के मौसम में देना ही चाहिए और वो है पानी। जी हाँ, खरगोश के सामने पानी होना ही चाहिए पीने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खरगोश को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पानी पीते नहीं हैं, लेकिन यह बात नहीं है, खरगोश भी पानी पीते हैं। अगर खरगोश पानी नहीं पियेंगे तो उनका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा और पानी की कमी की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। सिर्फ गर्मी में ही नहीं और दिनों में भी आप खरगोश के सामने साफ कटोरी बॉल में आप साफ पानी रखें ताकि आपका बनी पानी पी सके। जब उसे प्यास लगेगी तो वो अपने हिसाब से पानी पी सकेगा। अब जो तीसरी चीज़ है जो कि समर सीजन में खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि खरगोश को जो आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं लीवी वेजिटेबल्स खाने के लिए, वो दे जो कि समर में आते हो, मतलब कि सीजनली वेजिटेबल्स देना है। ये नहीं कि उस समय वेजिटेबल्स का वो है नहीं और आप कुछ ठंडी वाली आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी तो मार्केट में हर तरह के वेजिटेबल्स आ गए हैं। अगर गर्मी में अगर आप चाहते हैं ठंडी वाली वेजिटेबल्स लेना तो वो भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उस तरह के वेजिटेबल्स आपको नहीं देना चाहिए। गर्मियों में वेजिटेबल्स में आप खरगोश को खीरा दे, खीरा बहुत ही अच्छा होता है, बनी को बहुत ही पसंद भी होता है, उसमें बहुत पानी भी होती है अधिक मात्रा में खीरा में, तो खरगोश बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। फिर आप टमाटर खिला सकते हैं, पुदीने का पत्ता खिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बनी को दे तो आपका बनी बहुत ही पसंद करेगा खाना और उसका हेल्थ भी सही रहेगा। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वेजिटेबल्स बहुत क्वांटिटी में नहीं देना है। जी हाँ, आपको ज़्यादातर मतलब आप ये समझिए कि 2400 घंटे खरगोश के सामने सूखी घास होना ही चाहिए खाने के लिए। आप वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में आप वेजिटेबल्स दे, सुबह दे दे या तो सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं, तुम छोटी सी कटोरी में भर कर। वेजिटेबल्स आप जब भी आप अपने बनी को दे रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर उस पर्टिकुलर वेजिटेबल्स में अगर बीज है तो बीज हटा के दें। अगर आप खीरा दे रहे हैं तो खीरे में अगर बहुत ही बीज है, मतलब कि बहुत ही मोटी मोटी बीज है जो कि खीरा बूढ़ा हो जाता है तो उसमें बहुत आप देखे होंगे तो उसकी मोटी सी बीज निकलती है, तो आप वो अवॉइड करें, उस तरह की खीरे को मत दें अपने बनी को खिलाने के लिए। आप अच्छे वाले खीरे लाइए जो कि आपका बनी इंजॉय भी करे और आपको बीज भी निकालने का झंझट ना रहे। उसमें छोटे छोटे से बच्चे से बीज होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बनी आराम से खा सकता है। टमाटर में भी वही वाली बात है। अब जो चौथी चीज़ है वो है फल। जी हाँ, खरगोश के डाइट में फल को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ समर में नहीं जैसा कि मैंने बताया और भी मौसम में। हाँ, लेकिन अब समर की बात आती है तो ये बात आती है कि समर में कौन से फल खरगोश को देना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो देखिए, जो समर में जो भी फ्रूट्स आते हैं आप वो आप बनी को आराम से दे सकते हैं, लेकिन हाँ, सेफ फ्रूट ही खिलाएं। जैसे आप गर्मियों में आप खरगोश को आम दे सकते हैं, पका हुआ जो आम आता है वो आप खिलाएं। एप्पल तो अधिकतर सभी सीजन में मिलता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट वाटरमेलन खिला सकते हैं।
तरबूज भी खरगोश को काफ़ी पसंद होता है गर्मियों में खाना, और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी भी रहता है, तो आपका बनी सप्ते में एक या दो बार खाएगा तो बहुत ही इंजॉय करेगा। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखे, खरगोश को फल खिलाते वक्त कि उसमें से बीज निकाल दे। जी हाँ, और खरगोश को फल बहुत ही कम अमाउंट में देना है। रैबिट फूड पिरामिड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वह वीडियो एक बार ज़रूर से देख लें। रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर ये रैबिट फूड पिरामिड ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो वीडियो देखने से बहुत ही आइडिया आ जाएगा। तो ओवरऑल समर सीज़न में यही प्रिकॉशन रखना है कि खरगोश को सीजनली वेजिटेबल्स दे, सीजनली फ्रूट खिलाए, और है तो खिलाना ही है, और पानी ज़रूर से रखना है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ जाते जाते कि खरगोश को कभी भी आप रोटी, चावल या फिर पकी हुई जो सब्जी होती है जो बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें आप खरगोश को ना दें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खरगोश को भूख लगी है, वो हमारा चेहरा देख रहा है, तो हम लोग दया में आकर उसे खिला देते हैं, बिस्किट भी दे देते हैं, चॉकलेट्स भी दे देते हैं, आइसक्रीम भी खिलाने लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें खरगोश को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने बनी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमें बुरा लगता है अगर वो हमारा मुंह देखता है, हमारा चेहरा देखता है, इसलिए थोड़ा सा देने में क्या जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, यही सारी चीज़ें खाने से खरगोशों का पेट ख़राब होता है, और खरगोशों के पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बहुत सारे खरगोशों की तो मौत भी हो जाती है। आप सोचेंगे हम लोग तो खिलाते हैं लेकिन हमारा बनी तो एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि खरगोश को अगर इस तरह की चीज़ अगर दी जाए तो धीरे धीरे उनके बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं, और खरगोश की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। देखा होगा आपने किसी किसी खरगोशों में कि उनका पेट बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही जल्दी उसे मतलब कि लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो इसका ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न है। इसीलिए फ्रेंड्स, खरगोश को ह्यूमन फूड ना दे, खरगोश को सिर्फ सूखी घास दे, या फिर हरी हरी आप घास कहीं से तोड़ कर ला रहे हैं तो पानी से अच्छे से तरीके से धो कर दे, वेजिटेबल्स दे, फ्रूट्स दे, और पानी पिलाए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। इस गर्मी में आप अपने बनी को बहुत ही मज़े से आप आम खिला सकते हैं, पुदीने का पत्ता खिला सकते हैं, कुकुम्बर खिला सकते हैं, और हरी हरी घास भी तोड़कर आप अपने बनी को दे, उसे खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपका बनी कुछ नहीं खा रहा है, उसे पर्टिकुलर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में, तो आप वो अवॉइड करें, उसके बदले में कुछ और उसे इंट्रोड्यूस करवाएं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।